जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी हमारा क्रमिक अनशन यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार, गुड मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती शर्मा और बिल्कुल ये तस्वीरें हैं राजधानी शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बिल्कुल समीप की, और ये तस्वीरें आज की नहीं है, ये लगभग पिछले 43 दिनों से है और आज ये 44 दिन इन सभी कर्मचारियों को हो चुका है। मांग सिर्फ एक ही की जा रही है प्रदेश सरकार से कि सरकार अब हमारी सुध ले लीजिए और पुरानी पेंशन जल्द से जल्द बहाल कर लीजिए। फिलहाल आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं राजधानी शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला संसदीय क्षेत्र जिला शिमला ब्लॉक चिड़गांव से यहाँ पर जो है वो कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने की और जिस तरीके से एक नया कदम इन्होंने उठाया है, इन्होंने कहा है कि अब हम वोट के जरिए चोट देंगे, क्योंकि अब इन्होंने चेता दिया है प्रदेश सरकार को कि अगर जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी हम क्रमिक अनशन पर तो बैठेंगे ही, लेकिन ये जो दौर है ये विधानसभा चुनाव अभी हम इसी साल के अंत के जो महीने हैं उस पे होने निश्चित हुए हैं और आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से जो केंद्रीय चुनाव कमेटी है वो भी हिमाचल प्रदेश आई थी, यहाँ का उन्होंने दौरा किया था, तमाम राजनीतिक दलों से उन्होंने बातचीत की थी कि किस तरीके से चुनाव करवाने हैं। लेकिन चुनाव करने जिन्होंने जाना है, जो मतदाता है वो कितने परेशान है, आज चाहे वो किसान है, बागवान है, कर्मचारी है, आंगनबाड़ी में जो है वो कार्यरत है, पीस मील वर्कर्स है, मिड डे मील है, या फिर हमारे कर्मचारी है जो कि यहाँ पर हम जरूर बात करना चाहेंगे, पेंशनर्स की बात करना चाहेंगे, ओल्ड पेंशन तो यहाँ पर बात की ही जा रही है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं सेवानिवृत्त जो हो चुके हैं वो भी यहाँ पर जो है मांग कर रहे हैं कि हमें जो है वो पेंशन चाहिए। अर्धसैनिक बलों की आपने देखा पिछले दिनों अर्धसैनिक बल संगठन जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ था, वो भी मांग कर रहा है कि अर्धसैनिक बल बोर्ड का जो है वो गठन किया जाए। और फिलहाल यहाँ पर बातचीत करेंगे जो चिड़गांव से यहाँ पर कर्मचारी आए हैं। सबसे पहले चाहेंगे कि आप परिचय हमारे दर्शकों को दें अपना। मेरा नाम अमरदेव है, मैं जिला शिमला का समर्थन सचिव हूँ। जी, किस तरीके से देख रहे हैं आज 44वां दिन है, हालांकि पिछले कल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी पहुंचने वाले थे लेकिन मौसम खराब होने की वजह से नहीं पहुंच पाए, बहुत सी उम्मीदें थी उनसे, क्या आपको भी कुछ ऐसी उम्मीदें थी? हाँ, हमें भी काफ़ी उम्मीदें थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे और हमें घोषणा करेंगे कि हमें पुरानी पेंशन दी जा रही, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पिछला ही अपने जो कार्य किए वही गिने और उसी के साथ उन्होंने अपना सारा वो जो भाषण था उसी पे दिए जो अब उनकी पहली बड़ी उपलब्धि थी। जी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे आपका परिचय। सर, मेरा नाम चंद्रमणि, ब्लॉक प्रेसिडेंट संगड़ा, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। जी मैम, आज हम जो क्रमिक अनशन है वो 44वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं इसी उम्मीद के साथ हम सरकार से अभी भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल अपने माननीय मुख्यमंत्री जी श्री जयराम जी हमारी जो इस मांग को मानेंगे। धन्यवाद। जी सर, आपसे भी आपका परिचय यहाँ पर जरूर जानना चाहेंगे सबसे पहले। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं JBT के पद पर चिड़गांव ब्लॉक में कार्यरत हूँ। तो हम सरकार से एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जो NPS एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है OPS बहाल की जाए और हम इसी डिमांड को लेकर जो है सरकार के समक्ष यहाँ बैठे हैं। आज हमारा 44वां दिन हो गया है और हम इस बार नहीं तो हमें मजबूर हो के अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अपनी वोट की ताकत दिखानी पड़ेगी। हम एक ही डिमांड है हमारी और हम इस उम्मीद से लगे हैं कि सरकार इस डिमांड को पूरी करेगी। वोट किसे देंगे आप कह रहे हैं वोट की बात की जा रही है, वोट के जरिए आप चोट देने की बात कर रहे हैं। वोट हम उसी पार्टी को देंगे जो हमारी डिमांड को आगे रखेगा, हमारी OPS की जो हमारा मुद्दा है उसके ऊपर जो कहेगा, जो उसके लागू करने की बात करेगा। जी, आपसे भी चाहेंगे सबसे पहले आप अपना परिचय दें और किस तरीके से देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार को। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेशक रद्द हो गया लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, किस तरीके से देख रहे हैं? नमस्कार, मैं नित्यानंद सदाट, राज्य मुख्य प्रवक्ता NPS हिमाचल प्रदेश। जैसे कि आपने कहा, प्रधानमंत्री जी का दौरा हिमाचल प्रदेश का था पिछले कल, नहीं आ पाए मौसम की खराबी के कारण, लेकिन कर्मचारी में जो उम्मीदें थी पुरानी पेंशन के प्रति, और ऐसा लगता था कि शायद जैसे जो नारा पिछली बार चलता था मोदी है तो मुमकिन है, हमने भी सोचा कि शायद इस बार मुमकिन हो ही जाएगा, हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो ही जाएगी। लेकिन ऐसा कोई भी संदेश न दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी का आया, न हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी जी ने ये बात अपने भाषण में कही। लेकिन जैसा कि आपको मालूम ही है, हमारे NPS का
पूरा प्रदेश के अंदर इस वक्त कर्मचारी अनशन पर बैठा है। आप देख रहे हैं पूरे 44 दिन आज हो गए हैं शिमला के अंदर, 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में, धर्मशाला, हमीरपुर और मंडी में भी हमारे कर्मचारी अनशन पर बैठे हैं। इस आस के साथ, इस उम्मीद के साथ, क्योंकि इस वक्त चुनाव बिल्कुल सर पर है, 10 से 15 दिन शेष रहते हैं, कभी भी आचार संहिता लागू प्रदेश के अंदर हो सकती है। तो हम सोच रहे हैं कि शायद प्रदेश सरकार आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, जबकि विपक्ष ने सीधे सीधे तौर पर यह कहा है कि हम 10 दिन के अंदर सत्ता में आते ही करंट पेंशन बहाल कर देंगे, एक बड़ी चुनौती सत्ताधारियों ने की है, सत्ताधारियों के खिलाफ की है विपक्ष ने। लेकिन सत्ताधारियों को भी ये कहना ज़रूर चाहिए मेरे मुताबिक कि अगर वो 10 दिन की बात करते हैं तो हम 24 घंटे के अंदर पुनः पेंशन लागू भी कर देंगे और उसकी अधिसूचना भी जारी कर देंगे, जिससे पूरे प्रदेश का कर्मचारी 1,20,000 से अधिक कर्मचारी जो है खुश भी हो जाएगा, लाभान्वित भी होगा और प्रदेश सरकार का गुणगान भी गाएगा और प्रदेश सरकार का समर्थन भी करेगा। अन्यथा जैसा कि आपने देखा NPS पर चोट, OPS का वोट, OPS पर वोट, ये फार्मूला निश्चित तौर पे लागू होने वाला है। जी, वैसे ही अगर देखें तो विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है, गारंटियों पे गारंटियां दे रहा है कि अगर उनकी सरकार सत्ता पर आती है तो 10 दिन के भीतर भीतर OPS लागू कर दी जाएगी। इस बीच कर्मचारियों का रुख क्या है भविष्य को लेकर? देखिए, कर्मचारियों का रुख साफ है, क्योंकि अभी सीधे सीधे तौर पर यही होता है, सत्ता में बैठी जो सरकार है उस पर सभी आशाएं होती हैं, क्योंकि सत्ता में तो वो बैठे हैं, विपक्ष तो कहेगा, लेकिन सत्ता में बैठी सरकार पे अंतिम समय तक हमारी उम्मीद है, जब तक कोड ऑफ कंडक्ट प्रदेश के अंदर लागू नहीं होता उसके बीच में जितना भी समय सरकार के पास है वो कर सकती है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी भाजपा की सरकार है और दिल्ली में भी केंद्र भाजपा की सरकार है, सब कुछ संभव हो सकता है। जबकि 4 राज्य जो कर चुके हैं वहाँ तो सिंगल इंजन वाली सरकारें हैं, उन्होंने कर दिया, आज वहाँ के प्रदेश के कर्मचारी खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन हिमाचल का कर्मचारी आज दुखी है। 44 दिन हो चुके हैं आज यहाँ पे बैठे हैं, अलग अलग ब्लॉक से यहाँ पे आए हैं, सभी जिलों से यहाँ पर बार बार करके आते रहते हैं और बैठते रहते हैं बेचारे दिन रात, सरकार कोई बिल्कुल भी सुध नहीं है, यहाँ सरकार का एक भी ना विधायक कोई आता है, ना कोई मंत्री आता है, ना कोई उनका कोई और दूसरा पदाधिकारी आता है। जी सर, आपसे भी आपका परिचय यहाँ पर जानना चाहेंगे और बिल्कुल किस विभाग में आप कार्यरत है और किस तरीके से देख रहे हैं सरकार के रवैये? नमस्कार, मेरा नाम अनिल है, मैं डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा से आया हूँ। पुरानी पेंशन बहाल संघर्ष समिति जो हरियाणा की है उसका सदस्य होने के नाते भाइयों को समर्थन देने के लिए आए हैं यहाँ पे। इनके जज्बे को सलाम है कि पूरे 44 दिनों से बैठे हैं, इतने खराब मौसम के बावजूद रेड अलर्ट जारी कर दिया जा चुका है, फिर भी बैठे हैं भाई यहाँ पे और लगातार 44 दिनों से ये जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, अनशन चल रहा है, और मैंने देखा कि अभी तक कोई भी बंदा इनके पास नहीं पहुँचा है। तो इनके साथ समर्थन देने के लिए आए हैं हरियाणा से स्पेशल हम लोग, पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल जो संघर्ष समिति है हरियाणा की, और एक नेशनल मूवमेंट्स फॉर ओल्ड पेंशन के लिए चली हुई, उससे संबंधित है सभी लोग हम लोग पूरे ऑल इंडिया में। तो इनके जज्बे को सलाम है, इतने खराब मौसम के बावजूद भी हमारे जो भाई हैं यहाँ पे बैठे हैं, और इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी ये मांग चल रही, क्योंकि पूरे देश की मांग है, तो हरियाणा में किस तरीके से आपकी मांग जो है वो चल रही है और भविष्य के लिए क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं OPS की बहाली को लेकर? हाँ, वो पूरे इंडिया में सेम ही है कि जैसे कि हमें ओल्ड पेंशन चाहिए, जो भी मतलब जो भी पार्टी हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर देगी और उसी को हमारा समर्थन है इस तरीके से। जी सर, आपसे भी आपका परिचय यहाँ पर जानना चाहेंगे और बिल्कुल। सर नमस्कार जी, मेरा नाम चमन शांटो है, मैं चढ़गांव ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ और हम OPS बहाली के इस क्रमिक अनशन के 44 दिन में हैं आज, और ये अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक OPS बहाल नहीं होती। जी आपसे भी यहाँ पर जानना चाहेंगे नारायण जी, हालांकि सबसे यही बातचीत की जा रही है, अब हिमाचल प्रदेश के जो 4 संसदीय क्षेत्र हैं वहां पर ये प्रदर्शन चल रहा है, क्या आगामी समय में इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा, क्या ब्लॉक स्तर तक ये चीजें जाएंगी? जी आरती जी, सबसे पहला नमस्कार आपको और धन्यवाद आपका कि आप हमारी इस आवाज को हर मंच पे उठाते हैं। मुझे वो दिन याद है आरती जी, जब हमारा 2021 मार्च का वो महीना था और विधानसभा चली थी और वो हम यहाँ संघर्ष कर रहे थे उपायुक्त कार्यालय के बाहर, जिसमें आप लोगों का अभूतपूर्व सहयोग रहा,
उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारा ये OPS का जो मुद्दा है नंबर वन पे आज ट्रेंड कर रहा है। आज पूरे हिमाचल का अगर देखा जाए तो नंबर वन पे हमारा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली बन चुका है। वो आपके अभूतपूर्व मेहनत और सहयोग के कारण रहा है। जैसा आपने प्रश्न पूछा कि ये आपका जो क्या कहते हैं धरना प्रदर्शन है या ये अनशन है, ये ब्लॉक स्तर पे जाएगा। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी हमारा ये क्रमिक अनशन संसदीय क्षेत्र चारों जैसे हमीरपुर, धर्मशाला, मंडी और शिमला में चल रहा है। और शिमला में अभी लगभग ये 44वें दिन में प्रवेश हो चुका है आज। और आने वाले समय में हम अभी इसको कहाँ तक ले जाएंगे ये तो हमारी राज्य कार्यकारिणी पर निर्भर रहेगा कि वहाँ से हमें क्या इसका आगे करने का आदेश मिलता है। तो हम इसके बारे में तभी कुछ कह सकते हैं क्योंकि अभी हमारा यहाँ जो चला है ये मतलब संसदीय क्षेत्र के तहत चला हुआ अभी ये ठीक चला है मतलब। तो आने वाले समय में हम लोग इसको तीव्र करेंगे, तेज करेंगे, OPS की बहाली के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और नंबर दो, जहाँ तक OPS वोट फॉर OPS की बात है, OPS पे तो हम काम ही कर रहे हैं, हम OPS के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमारा समर्थन, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमारा समर्थन सिर्फ और सिर्फ OPS के लिए रहेगा और हम OPS के लिए ही हमारा संगठन काम कर रहा है। एकमात्र हमारी मांग है OPS की बहाली और OPS के लिए हर कर्मचारी एकजुटता दिखा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल ये तस्वीरें राजधानी शिमला की है, राजधानी शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बिल्कुल सामने की है, सिटीओ के पास की ये तस्वीरें हैं। पिछले 43 दिन से ये क्रमिक अनशन पर बैठे हैं और आज 44वां दिन है। और हिमाचल प्रदेश के जो चार संसदीय क्षेत्र हैं, मंडी की बात करें या धर्मशाला की यहाँ पर बात करें या हमीरपुर की बात करें, वहां पर भी ये लोग ऐसे ही क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। मांग एक ही की जा रही है कि प्रदेश सरकार सुध ले और हमारी जो पुरानी पेंशन है वो बहाल करे। हालांकि जो भाजपा सरकार है वो ये दावा कर रही है कि मिशन रिपीट होगा, लेकिन जब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ये बड़ा कैडर है कर्मचारियों का, किसानों का, बागवानों का। अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगों पर कब गौर करती है, सरकार इनकी मांगे कब पूरी करती है। क्योंकि अगर सरकार इनकी मांगे पूरी करती है तो इनका ये साफ तौर पर कहना है कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं चोट और OPS को वोट यहाँ पर कहा जा रहा है। तो जो OPS को की बहाली की यहाँ पर बात करेगा, हमारा मत जो है उसी को होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ नमस्कार।